यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। शारदा पौंजी घोटाले में आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम को ईडी के कोलकाता कार्यालय में पेश होना है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने नलिनी चिदंबरम को फिर से समन भेजा था। इससे पहले उन्होंने 7 मई को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। पेशे से वकील नलिनी ने अपने अपील में जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम के 24 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस सुब्रमण्यम ने ईडी के सामने खिलाफ नलिनी की याचिका खारिज कर दी थी और इसी के साथ न्यायाधीश ने उन्हें शारदा चिट फंड घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ईडी के सामने गवाह के रूप में पेश होने को कहा था। अदालत ने उनके इस दलील को नहीं माना कि किसी महिला को जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 160 के तहत उसके घर से दूर नहीं बुलाया जा सकता। अदालत ने कहा कि इस तरह की छूट अनिवार्य नहीं है, ये संबंधित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर है। तो यहाँ पर ईडी ने दोबारा से नलिनी चिदंबरम को समन भेजा है और ईडी पहले भी समन भेज चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि शारदा पूंजी घोटाला है और इसी को लेकर के आज ईडी ने नलिनी को फिर से तलब किया है।